आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एल्बुमिनोरिया की चर्चा कर रहे हैं। किडनी क्या होता है? किडनी एक्चुअली एक सेट होता है, किडनी दो होती है बॉडी के अंदर, जो कि पसलियों के नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड लगी होती हैं। ये क्या करते हैं? फिल्टर ऑर्गन होते हैं। ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन के रूप में वेस्ट को बाहर निकालते हैं। किसी कारणवश जैसे नेफ्राइटिस हो गया है या ब्राइट डिसीज हो गई है, उस स्थिति में किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं, तो जो ब्लड का फिल्टर है वो प्रॉपरली नहीं होता। तो इसके कारण क्या होता है, कुछ यूजफुल थिंग्स भी यूरिन में निकलने लगती हैं। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि प्रोटीन यूरिया क्या होता है और एल्बुमिन यूरिया। एक्चुअली एल्बुमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन और प्रोथोमिन, ये जो चार हैं ये प्रोटीन ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जब प्रोटीन की मात्रा यूरिन में से निकलने लगती है तो बॉडी के अंदर बहुत से लक्षण दिखते हैं, कुछ बीमारी के लक्षण दिखते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हो सकता है? बार बार प्यास लग सकती है, थर्स्ट बढ़ जाती है, नींद कम आ सकती है, बॉडी में सूजन आने लगती है, आँखों पर, फेस पर, पैरों में सूजन दिखती है, बेचैनी, घबराहट जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं, भूख कम लगना, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के लक्षण पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो इसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और इस तरह के लक्षणों में जब आप जांच कराते हैं यूरिन का आरएम कराते हैं तो आपको पता पड़ता है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, उसको प्रोटीन यूरिया हो गया है, प्रोटीन का यूरिन में आना। तो एल्बुमिन यदि आता है तो एल्बुमिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? इसको हम होम्योपैथी से बहुत ही अच्छे आसानी से ठीक कर सकते हैं। यदि हमको ये बीमारी का शुरू में ही पता पड़ जाता है तो हम इसको बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो हम कुछ होम्योपैथी की बहुत ही लिमिटेड सिलेक्टेड दवाएं बता रहे हैं जो कि ये इस बीमारी में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो सबसे पहली दवा होम्योपैथी की है एपिसमेल। एपिसमेल के क्या लक्षण हो सकते हैं? एक्चुअली ये थर्स्टलेस मेडिसिन है, इसमें पेशेंट को प्यास बहुत कम लगती है या प्यास नहीं लगती। दूसरा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट हो सकती है, भूख कम हो सकती है, पेशेंट को बुखार हो सकता है और उसकी पूरी बॉडी में आँखों पर, फेस पर सूजन हो सकती है। तो इस तरह के यदि लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, इसमें हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो यदि आपको लगता है कि पेशेंट को प्यास कम लगती है, उसको पूरी बॉडी में सूजन आ रही है धीरे धीरे, तो इस तरह के लक्षण होने पर, एपिसमेल देने पर एल्बुमिनोरिया और उससे जुड़ी हुई सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। एपिसमेल एक बहुत ही बेहतरीन दवा है एल्बुमिनोरिया के लिए। इसको 30 या 200 में दिन में एक बार या एक दिन छोड़कर एक बार दे सकते हैं। तो ये दवा एपिसमेल बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी दवा मैं बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैंथेरिस। कैंथेरिस एक दवा है जो कि बेसिकली यूरिन की बर्निंग के लिए आपने दी होगी, आपने सुना होगा, लेकिन ये एल्बुमिनोरिया में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें क्या लक्षण हो सकते हैं? इसमें जो बर्निंग है यूरिन के पहले हो सकती है, यूरिन के बाद में हो सकती है और यूरिन करते समय, तीनों स्टेज में इसमें बर्निंग देखी जाती है। तो कैंथेरिस में भी एल्बुमिन आता है यूरिन के साथ और कैंथेरिस में यदि बर्निंग भी है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, यूटीआई भी साथ में होता है, तो कैंथेरिस एक बहुत ही बेहतरीन एल्बुमिनोरिया के लिए काम करती है। तीसरी जो दवा है वो टेरीविंथियाना। टेरीविंथ एक ऐसी दवा है जो कि एल्बुमिनोरिया के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसको 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 3-4 टाइम भी दे सकते हैं। चौथे नंबर की जो दवा है वो कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा एक बहुत ही बेहतरीन दवा है जो कि कैनाबिस सटाइवा, यूरिन में बर्निंग होती है,
यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, उस कंडीशन में यूरिन रुक रुक के आता है। पांचवे नंबर की दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक बहुत ही बेहतरीन दवा है, लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो आपको देखना होते हैं। लक्षण क्या है, इसमें थर्स्ट बहुत होती है लेकिन पेशेंट जो है पानी पी नहीं पाता, वो केवल मुंह को गीला रखना चाहता है, थोड़ा सा पानी पीता है, बार बार उसका मुंह सूखता है तो बार बार अपने मुंह को गीला कर लेता है और थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। तो इसमें थर्स्ट के क्या लक्षण हैं, बार बार पेशेंट थोड़ा सा पानी, वो ज़्यादा पानी नहीं पी सकता, उसको केवल थोड़ा सा मुंह गीला करने की हैबिट हो जाती है और वो थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। तो आर्सेनिक एल्बम में थर्स्ट तो बहुत होती है लेकिन वो ज़्यादा पानी पीता नहीं है। तो आर्सेनिक एल्बम में बॉडी में स्वेलिंग भी होती है, इसमें बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, फीवर हो सकता है और एक फियर, फियर ऑफ डेथ इसमें होता है। इसमें एंजाइटी बहुत होती है। इस तरह के लक्षण यदि देखते हैं, इस जैसे एपिस और आर्सेनिक में क्या अंतर है, एपिस में थर्स्ट नहीं होती लेकिन आर्सेनिक में थर्स्ट होती है लेकिन पानी वो पीता नहीं है, एपिस मेल में थर्स्ट ही नहीं होती। बाकी सब लक्षण लगभग एक से ही होते हैं। एक लक्षण और है, एपिस जो है इसके जो लक्षण हैं वो कैसे बढ़ते हैं, गर्मी में बढ़ते हैं, जबकि आर्सेनिक एक चिली मेडिसिन है। इसके जो लक्षण हैं वो कब बढ़ते हैं, सर्दी में बढ़ते हैं, ठंड में बढ़ते हैं। तो आप एक ध्यान रखें कि आर्सेनिक एक चिली मेडिसिन है, एपिस मेल एक हॉट मेडिसिन है, क्योंकि किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी साधारण नहीं होती, उनको प्रॉपरली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।